प्रदेश में काली कमाई करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। प्रदेश के बालाघाट में बिजली विभाग के रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर के घर पर छापे में करोड़ों की संपत्ति मिली है। ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार सुबह इंजीनियर के घर छापा मारा, जिसकी कार्रवाई शाम तक जारी रही। इनके 17 बैंक खातों, 2 कंपनियों, लाखों के सोना चांदी के आभूषण, 6 मकान और 12 प्लॉट के दस्तावेज मिले हैं। इंजीनियर की अकूत संपत्ति के वैल्यूएशन का काम चल रहा है। प्रदेश में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की काली कमाई के सामने आने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले ही भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क के घर भारी संपत्ति मिली थी, जबकि जबलपुर में भी ऐसा ही छापा पड़ा था। शुक्रवार को बालाघाट में बिजली विभाग के रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर के पास भी करोड़ों की संपत्ति मिली है। ईओडब्ल्यू की टीम ने सवेरे 5 बजे उसके घर पर छापा मारा। दयाशंकर प्रजापति, जो विद्युत विभाग के रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हैं, इनके बालाघाट में भटेरा स्थित घर पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी। डीएसपी मंजीत सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा की गई कार्रवाई में बालाघाट में 2 आलीशान मकानों के साथ कुल 6 मकान, लगभग 1 दर्जन प्लॉट और कई वाहनों के कागजात मिले हैं। बालाघाट के अलावा कई और जगहों पर संपत्ति का पता चला है। इंजीनियर ने अधिकांश संपत्ति अपनी एक कंपनी के नाम पर ली हुई है। यह कंपनी उसने सरकारी नौकरी में रहते हुए शुरू करी थी। कंपनी में करीब 80 लाख रुपए का निवेश सामने आया है। कार्रवाई में ईओडब्ल्यू को 350 ग्राम सोना, 3 करोड़ से ज़्यादा चांदी की ज्वेलरी मिली है। इंजीनियर के 17 बैंक खातों का भी पता चला है, जो खुद के और उनकी पत्नी, बच्चों और कंपनी के नाम पर है। फिलहाल ईओडब्ल्यू एसपी से ही जानिए कि आखिर क्या क्या मिला है रिटायर्ड इंजीनियर के। हाँ, ये आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सहायक इंजीनियर श्री दयाशंकर प्रजापति के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत की जांच उप निरीक्षक श्रीमती कीर्ति शुक्ला के द्वारा की गई और जांच में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर पाया गया कि इनके जो आय के वैधानिक स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 280% इनके द्वारा व्यय और संपत्ति अर्जित करना पाया गया। प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप प्रमाणित पाए जाने से इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक श्री मंजीत सिंह द्वारा की जा रही है और विवेचना के प्रक्रम में इनके और निवेशों की जानकारी और संपत्तियों के डिटेल्स प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्य प्रारंभ की गई है। सर्च कार्य मौके पर जारी है। अभी तक जो शिकायत जांच में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर ये पाया गया है, जो दस्तावेज मिले हैं उसमें इनके 6 मकानों का विवरण हमको मिला है जो बालाघाट के विभिन्न इलाकों में है और 12 प्लॉट के बारे में भी जानकारी मिली है। इसके अलावा 1 चार पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों की जानकारी मिली है। साथ ही यह भी सूचना है कि इनकी पत्नी के नाम पर इन्होंने कंपनी बनाकर के उसमें भी भारी मात्रा में निवेश और संपत्ति अर्जित की गई है, जिस संबंध में दस्तावेजों के आधार पर आगे कार्रवाई। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन भ्रष्टाचारी हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे।